ऐसे नहीं यार मैकेनिज्म का, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें इंटरमीडिएट जो कार्बोन आयन बनता है राइट, वो क्या है कैसे आप सोचेंगे? मान लीजिए कि ये पैरा पोजीशन पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया है, ये आपका क्लोरीन, यहां पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन लिया, तो जब ये अटैक करेगा, ये एडिशन जो एसएनएआर मैकेनिज्म होता है उसको ध्यान में रखिएगा, ये जो एसएनएआर मैकेनिज्म है इसको एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी कहा जाता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो यहां पर जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा राइट, जिसकी वजह से जो सिचुएशन आपके सामने आएगी, हियर इट इज Cl, हियर इट इज OH एंड हियर इट इज नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज योर NO2। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड यहां पर आया नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ये कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म्स आर शोन बाय द डबल हेडेड एरो, ये नेगेटिव और ये N डबल बॉन्ड O एंड इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। वैसे मेरे को लग रहा है कि सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे इन बातों को। तो ये जो अब बेनिफिट क्या है, हम ऐसा क्यों कहते हैं, Why we says that the electron withdrawing group should be present on the ortho or the para position? हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है राइट, जिस कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तभी डेवलप होगा जब जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पर लगा होगा या पैरा पर लगा होगा। अगर ये नाइट्रो ग्रुप को मैं मेटा पर शिफ्ट कर दूंगा तो जब ये नाइट्रो ग्रुप मेटा के ऊपर चला जाएगा तो जो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। अब यहां पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप में भी डिस्पर्स होगा, ये क्योंकि नाइट्रो ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पावरफुल डीएक्टिवेटर है, रिंग का डीएक्टिवेटर है, बट यहां पर वो एक्टिवेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि नाइट्रो ग्रुप एक्टिवेट्स द रिंग टूवर्ड्स एसएनएआर मैकेनिज्म। नाइट्रो ग्रुप इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द सुटेबल पोजिशन देन इट एक्टिवेट्स द रिंग टूवर्ड्स SNAR mechanism, वो SNAR mechanism की तरफ एक्टिवेट करता है। तो यहां पर अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिस्पर्स करेगा नाइट्रो ग्रुप की तरफ, उसको मैंने यहां साइड में शो कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस ये सिचुएशन आपके सामने इस तरह से आ गई, डबल बॉन्ड हियर इट इज Cl, हियर इट इज OH, हियर इट इज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हियर इट इज O नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड O राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर यहां पर आगे भी जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये यहां पर चला जाएगा। इट मींस ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, हियर इट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हियर इट इज नाइट्रो नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज Cl एंड हियर इट इज OH राइट। अब क्या होगा, यहां पर फास्ट ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब माइनस ऑफ Cl नेगेटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉल, ये पैरा नाइट्रो फिनॉल का फॉर्मेशन आपने करवाया राइट। तो अब यहां पर बट अगेन क्योंकि ये फिनॉल, बल्कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा हो चुका है तो डायरेक्टली आपको फिनॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडियम जो है वो बेसिक था, NaOH आपने ले रखा है तो डायरेक्टली आपको फिनॉल नहीं मिलेगा, उसका आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा, उसका आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन यू विल गेट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनॉल। जो भी डेरिवेटिव आपको बनाना है वो नाइट्रो का डेरिवेटिव आपको मिल सकता है ठीक। तो ये बच्चों दूसरा मैकेनिज्म, मतलब दूसरी प्रिपरेशन विद मैकेनिज्म हमने डिस्कस करी। अब मैं तीसरा ले रहा हूं आपको फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेडिंग दीजिएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक जगह पर, जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ा रहा था इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो वहां पर हमने डिस्कस किया है कि मान लीजिए कि आपने बेंजीन लिया, बेंजीन का आपने ब्रोमिनेशन परफॉर्म किया, जिससे ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, इसको आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर लिख लीजिएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको आपने एयर के साथ ट्रीट करवाया, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है राइट, वो देखिए डाई रेडिकल की तरह काम करता है। आपको ध्यान होगा मैंने एक दिन आपसे कहा था कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में डाई रेडिकल की तरह भी काम करता है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और उसको एमओ थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव करती है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करता है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में डाई रेडिकल की तरह काम करेगा, जिससे कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है उसका परऑक्सो सॉल्ट बनता है। ये परऑक्सो सॉल्ट बना, इट इज ओ एमजीबीआर राइट। ये सॉल्ट बनाया आपने, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप एयर के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें परऑक्सो सॉल्ट बनता है। ये परऑक्सो सॉल्ट बनाया आपने, पर ऑक्सो सॉल्ट। उसके बाद फिर आपने इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक और मोल के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एक और मोल के साथ आप ट्रीट करवाते हैं राइट, तो यहां पर दो मोल प्राप्त होंगे ऑफ ओ एमजीबीआर राइट। चेक करिएगा टू मोल्स ऑफ ये परऑक्सो सॉल्ट था, ये ऑक्सो सॉल्ट है, दिस इज ऑक्सो सॉल्ट, ये ऑक्सो सॉल्ट आपने बनाया है। उसके बाद आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करिए, तो जिस समय आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ फिनॉल, ये दो मोल आपको फिनॉल के मिल जाएंगे राइट। मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको, देखिए कहां पर हमने पढ़ा है, शायद हो सकता है कि कुछ बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा है कि हमने कहां पर करा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कि जब आप अल्कोहल पढ़ते हैं तो अल्कोहल को बनाने की सबसे बढ़िया जो विधि मानी जाती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिस पर हमने काफी डिस्कशन किया है। 3 से 4 पीरियड हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दिए हैं राइट। उसमें एक जगह पर ऐसा भी था कि आप मिथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एयर, एयर के साथ, अगर आप एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है राइट। देखिएगा यहां साइड में मैं बता रहा हूं आपको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने लिया, तो जिस समय आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं इसको आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया ओ एंड एज अ डाई रेडिकल, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ आपने ट्रीट करवाया, तो अगेन परऑक्सो सॉल्ट बनता है। रिकॉल करिएगा CH3OOMgBr ये मिलता है। उसके बाद फिर आपने एक और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाया, एक और मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपने ट्रीट करवाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ CH3OMgBr। अब आपको ध्यान आ रहा होगा टू मोल्स ऑफ CH3OMgBr, और उसके बाद आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं
इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल राइट। और मिथाइल एक्चुअली क्या है कि मिथाइल अल्कोहल को बनाना आसान भी नहीं है। आप इथाइल अल्कोहल बना सकते हो राइट, आप 2 degree अल्कोहल बना सकते हो, आप 2-3 degree अल्कोहल तक जा सकते हो, बट मिथाइल अल्कोहल बनाने की हमारे पास लिमिटेड तरीके हैं। तो वो जो लिमिटेड तरीके हैं मिथाइल अल्कोहल बनाने के, उसमें एक तरीका ये भी है। तो इट इज वेरी मच सेम। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप फिनॉल बना सकते हैं राइट, इसको ध्यान में रखिएगा राइट। नाउ वी आर टेकिंग अप द नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम क्यूमीन, हेडिंग दीजिएगा फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। राइट, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि क्यूमीन क्या है। हमने लिया बेंजीन और इस बेंजीन की रिएक्शन आपने प्रोपीन के साथ करवाई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH CH3 एंड हियर इट इज अ CH3, जिसको आप लोग कहते हैं क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन राइट। कैसे बना ये, ये जो आप कह रहे हो इसको क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये कैसे हुआ? ये रिएक्शन अगर मैं देखूं बहुत सिंपल रिएक्शन है, इट इज डेफिनेटली द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? H3PO4 का आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, H3PO4 इट इज हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपने प्रोपीन लिया है इस प्रोपीन के ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर घूमेगा। तो जिस समय ये H पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड आपने यहां पर घुमाया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH पॉजिटिव एंड इट इज अ CH3, जिसको आप लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन आपने बनाया। अब ये जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग के सिस्टम पर अटैक करेगा। आपने बेंजीन ले रखा था राइट, ये देखिए ये बेंजीन मैंने लिया। मैं ये क्यूमीन कैसे बना उसका मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं कि अब ये बेंजीन है, ये देखिएगा यहां पर एच लगा हुआ है, हियर इट इज एच राइट इस तरह। तो जब ये कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है, जब वो बेंजीन के सिस्टम पर, ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल हुआ बिकॉज द कार्बन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के सिस्टम पर अटैक करेगा, तो बेंजीन के सिस्टम पर अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है, जो भी कहीं पर भी आप अटैक करवाना चाहो, किसी भी साइट पर आप अटैक करवाना चाहो करवा सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखिएगा CH, हियर इट इज CH3, हियर इट इज CH3, और जिस जगह पर अटैक किया था वहां पर ऑलरेडी H लगा हुआ है, ये H है, यहां पर भी H है,
बट यहां पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। देखिएगा, जिस कार्बन पर, जिस बेंजीन के कार्बन पर आइसोप्रोपाइल अटैक करेगा, उसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। देखिएगा जरा, एरो, मेरे एरो को चेक कर लीजिएगा। जिस कार्बन पर आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, जो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन की रिंग अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, बेंजीन जो है वो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, राइट। तो जब ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बेंजीन के सिस्टम पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, राइट। अब क्या होगा, अब फास्ट रिएक्शन होगी, राइट। यहां से ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फास्ट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज द बेंजीन रिंग इज रिगेनिंग इट्स एरोमेटिसिटी, राइट। इसीलिए फास्ट यहां पर ये माइनस ऑफ एच पॉजिटिव हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो आपने बनाया था, राइट। एक बार ये मैकेनिज्म को आप नोट कर लीजिएगा, मतलब थ्रू सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये जो बनाया आपने, ये जो बनाया है, इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन जो है वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू निकल रही है, उस इंटरमीडिएट को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अनडाउटेडली जो पहली रिएक्शन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट। अब ये जो बनाया आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जिस समय आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं, ये आपने रिएक्शन आगे बढ़ा दी, ऑक्सीजन अगेन डायरेडिकल की तरह काम करेगा, राइट। और यहां पर क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन कार्बन के साथ में CH3, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, एंड हियर इट इज ओ, एंड हियर इट इज ओ, एंड हियर इट इज H, जिसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड आपने बनाया है। अब आप इसको एच पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जिस समय आप एच पॉजिटिव, ये भी जो जब ऑक्सीजन डायरेडिकल की तरह काम करता है, तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो दैट सिग्निफाइज द रेडिकल मैकेनिज्म। प्रोबेबली बच्चों, प्रोबेबल जो मैकेनिज्म होगा, राइट, दैट इज डेफिनेटली द रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। और वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो यू कांट एक्सपेक्ट द सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, राइट। कार्बन हाइड्रोजन के जो रिएक्शन होती है, बेसिकली वो रेडिकल मैकेनिज्म पर ऑपरेट होती है। तो ये आपने क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनाया, अब उसके बाद एच पॉजिटिव, तो ये एच पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन, हियर इट इज CH3, हियर इट इज CH3, एंड हियर इट इज ओ, एंड हियर इट इज ओ, हियर इट इज H, हियर इट इज H, और ये पॉजिटिव चार्ज। चेक करिएगा, एरो को फॉलो करते चलिएगा, ये आपने प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनाया। अब होगा क्या कि यहां फिनाइल शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन लेने लगेगा, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड यहां लेने लगेगा, राइट, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, और ये जो फिनाइल रिंग है वो फिनाइल रिंग यहां पर माइग्रेट करेगी, राइट। मतलब माइनस में हो गया, माइनस H2O, राइट, और ये फिनाइल रिंग यहां पर शिफ्ट हो गई, जिसको कि आप लोग डेफिनेटली कहते हैं 1-2 फिनाइल शिफ्ट। ये 1-2 फिनाइल शिफ्ट होगी, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, ये O, और यहां पर आपकी बेंजीन रिंग लग चुकी है।
राइट। अब ये जो H2O का मॉलिक्यूल निकला, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन इज हैविंग द टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ऑक्सीजन है राइट वाटर, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से CH3 एंड हियर इट इज ओ एच, हियर इट इज एच, ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर, और यहां पर ये बेंजीन रिंग लगी हुई है राइट। अब यहां पर, अब यहां से आप IMP परफॉर्म करेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, IMP। तो जब आप IMP परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पर चला जाए राइट, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड हियर इट इज ओ PH H पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज ओ एंड H। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हुआ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो जैसे जैसे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा उसको राइट। इट मींस ये सिचुएशन आ जाएगी, फिनॉल निकल चुका है, PHOH बन चुका है फिनॉल प्लस CH3 एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज एच, ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज राइट। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड यहां लिया माइनस ऑफ एच पॉजिटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें फिनॉल तो बना ही बना, फिनॉल तो बना, साथ ही साथ में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एसीटोन की बहुत अच्छी यील्ड हमारे को मिलती है, यू गेट द गुड यील्ड ऑफ द एसीटोन राइट। तो ये बच्चों ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट मैं डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं उसको ज्यादा आगे तक ले जा रहा हूं। इसमें क्या है, जैसे ये बेंजीन आपने लिया तो सबसे पहले बेंजीन का क्या करिए, नाइट्रेशन परफॉर्म करिए, कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 लेकर, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगेन इट इज द मैकेनिज्म इज द 100% इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो मैकेनिज्म हमने किया है इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन का हमने टिन और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन परफॉर्म किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। इस एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बाथ टेम्परेचर, जिसे अपन कहते हैं आइस बाथ टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन परफॉर्म करी। रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट। जिसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम, इसको कहते हैं बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और उसके बाद आपने उसको स्टीम के साथ ट्रीट करवाया, H2O के साथ स्टीम के साथ आपने ट्रीट करवाया
right, it results into the formation of phenol. प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गई, प्लस HCl निकल गया, राइट. ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, H2O जो स्टीम लिया आपने, वो स्टीम ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया. न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पर किया? कार्बन के ऊपर किया. रिमेंबर सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है. नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप. तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, राइट. इससे बनाया जा सकता है. अगर मान लीजिए कि हम यहां पर बात करें कि किस तरीके से पैरा फ्लोरोफिनॉल बनाएं, पैरा फ्लोरोफिनॉल, यहां पर ये मैंने फिनॉल बनाया है. अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैरा फ्लोरोफिनॉल कैसे बनेगा, एक थोड़ा सा मैं हटकर बात कर रहा हूं आपसे. अगर मान लीजिए कि पैरा फ्लोरोफिनॉल की हम बात करें, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे को पैरा फ्लोरोफिनॉल की अगर हम करें, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया है, अभी मुझे फिनॉल चाहिए था, और क्योंकि फिनॉल चाहिए था इसीलिए मैंने उसको स्टीम के साथ ट्रीटमेंट करवाया. अगर मुझे पैरा पोजीशन पर फिनॉल फ्लोरो चाहिए, पैरा फ्लोरोफिनॉल मेरे को चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे BF4 नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा. मतलब एक थोड़ा सा मैं एडिशनल आपको बता रहा हूं कि जैसे ये डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया, अगर मान लीजिए कि इसको आप BF4 नेगेटिव के साथ ट्रीट करते हैं, तो अगर आप BF4 नेगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे, राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. ये आपका फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जैसे पैरा फ्लोरो फिनॉल भी बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट बनाकर. क्योंकि बच्चों इस तरह के काफी केसेस मिलेंगे आपको कि प्रिपरेशन करनी हो, कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाना हो इससे, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान में रखिएगा कि अब जैसे ये डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया, अगर आपने उसको स्टीम के साथ ट्रीट करवाया, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. बट अगर इसी को आप BF4 नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो फिर जो एफ नेगेटिव होगा, BF4 नेगेटिव में से एफ नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, और वो जो एफ नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा. तो कहने का मतलब ये कि पैरा फ्लोरोफिनॉल भी आप इस मेथड से बना सकते हैं, जो हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. इसमें एक दो प्रिपरेशन अभी और बची हुई है जो हम कल डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर